दोस्तों सुबह सुबह तैयार हो गए हम अपने अमृतसर के डे टू के एडवेंचर पे। आज का डे काफी बिजी होने वाला था, इसलिए सबसे पहले हमने दिन की शुरुआत करी एक हेवी से अच्छे से ब्रेकफास्ट से। तो हम पहुंच गए ब्रदर्स ढाबा, विच वॉज रियली हाईली रिकमेंडेड ऑन यूट्यूब एंड एवरीवेयर एल्स। तो सबसे पहले हमने ब्रदर्स ढाबा पहुंच के अपना ऑर्डर प्लेस करा। यहाँ के बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ था कि यहाँ के अमृतसरी कुलचे बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ का अमृतसरी पराठे लस्सी चाय बहुत अच्छी होती है। तो फिर बस हमने स्टार्ट करी अपने हेवी ब्रेकफास्ट से, अमृतसरी कुलचा मंगवाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल पड़ी अपना आज के दिन के एजेंडा के लिए। तो द फर्स्ट प्लेस वी वर हिटिंग वॉज जलियावाला बाग। अब ये सारी जगह जलियावाला बाग प्लस गोल्डन टेम्पल, ये सारी काफ़ी क्लोज हैं। इनफैक्ट ये एक ही प्रेमाइसिस में है, तो वहाँ पे वॉकिंग जाना भी आसान है। अगर आप ये इस वाले टाउन हॉल में पहुँच जाएंगे तो इसी के अंदर अंदर सेम प्रेमाइसिस में मंदिर के पास ही है जलियावाला बाग, मंदिर से वॉकिंग है एक्चुअली। तो इस गेट में एंटर करने से द फर्स्ट थिंग जो मैंने मेरे दिमाग में आई, जो पहली चीज़ आप सोचते हो वो ये सोचते हो कि इसका एंट्रेंस वाकई बहुत ही नैरो है। और अगर हमने कहीं पे भी जलियावाला बाग के बारे में पढ़ा है तो हमें पता है कि वो एंट्रेंस इतना नैरो था कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो जनरल पब्लिक थी वो एस्केप नहीं कर पाई। अब जलियावाला बाग के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि ये एक ऐसा दुखी इंसिडेंट है हिस्ट्री में, हमारी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में, कि सबको याद है यहाँ पे एक पीसफुल मीटिंग हो रही थी कुछ इंडियंस की और जनरल डायर ने यहाँ पर सारे एंट्रेंसेस ब्लॉक करके, जो मेन एंट्रेंस था वो ब्लॉक करके अंदर आए अपनी पूरी फोर्स के साथ और ओपन फायर करा उस पीसफुल मीटिंग पे जहाँ पे कोई भी नहीं बचा। आई मीन बहुत ही कम लोग बचे, बट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन दैट इंसिडेंट। और ये पूरा अब ये जो गार्डन है डेडिकेट करा गया है, जलियावाला पार्क जो है, जो बाग है, ये पूरा डेडिकेटेड है टू दीज फ्रीडम फाइटर्स जो वहाँ पे एक पीसफुल एजेंडा था उनका, पीसफुल मीटिंग कर रहे थे। तो जैसे आप अंदर जाएंगे छोटे छोटे हॉल्स बने हुए हैं चारों कॉर्नर्स पे, जहाँ पे इन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताया जाता है, उनकी लाइफ हिस्ट्री समझाई जाती है और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स जो काफ़ी नामी फ्रीडम फाइटर्स हैं जैसे भगत सिंह, उनकी स्टोरी भी इस हॉल में इस लाइट एंड साउंड शो के ज़रिए दिखाई जाती है। तो इस पूरी वीडियो में, जलियावाला बाग की वीडियो में, मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी नहीं, आप खुद देखिए कि ये कैसा दिखता है अंदर। जलियावाले बाग की उस घटना को अब काफी वक्त हो चुका है, बट आज भी जब आप इस बाग में घूमेंगे, यहाँ के विशाल पेड़ और पौधों को देखकर आपको लगेगा कि ये पेड़ भी भारत की उस दर्दनाक घटना के साक्षी हैं। ये वही कुआं है जहाँ लाखों लोगों ने कूदकर अपनी जान दी थी और ये वही दीवार है जहाँ आज भी उन बुलेट मार्क्स के निशान लगे हुए हैं। जलियावाले बाग के एक्सपीरियंस को महसूस करके हम निकल गए आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम जा रहे थे वाघा बॉर्डर। अब
वाघा बॉर्डर के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक छोटा सा गांव है विच लाइज इन बिटवीन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। हर रोज यहां पे बीटिंग रिट्रीट होती है। इस सेरेमनी में दोनों कंट्रीज अपने फ्लैग्स को बाय द एंड ऑफ द डे यानी सन डाउन पे लोअर करते हैं और इस सेरेमनी को देखने के लिए आते हैं लाखों और हजारों की तादाद में इंडियंस। यहाँ की एनर्जी देखने लायक थी, एंथुजियाज्म, हर जगह गाने चल रहे थे और लोग डांस कर रहे थे टू विटनेस दिस। आइए आप भी मेरे साथ इस एनर्जी को, इस एंथुजियाज्म को विटनेस करिए। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस होती है जिसमें बीएसएफ के सोल्जर्स मेन एंड विमेन बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इन यंग सोल्जर्स को देखकर। इट्स ट्रूली ट्रूली इंस्पिरेशनल। बीटिंग रिट्रीट में ऑडियंसेस भी पार्ट ले सकते हैं। आप सिर्फ अपनी चेयर में बैठ के पूरा ये कार्यक्रम सिर्फ देख नहीं सकते। यहाँ पे सोल्जर्स आते हैं जो आपको चीयर करते हैं और आपको अप्लॉड करते हैं, एक्साइट करते हैं। हर जगह वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगते हैं जो आप अपने सीट से बैठे बैठे बोल सकते हैं और चीयर कर सकते हैं अपने सोल्जर्स के लिए। उसके अदम्य साहस एवं देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का स्वर्णिम इतिहास है। प्रत्येक सुबह भारतीय आकाश में उदय। सो फ्रेंड्स, बीएसएफ और द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज 192 बटालियंस अंडर इट विद द स्ट्रेंथ ऑफ 270,000 सोल्जर्स इंक्लूडिंग एन एयर विंग, अ नेवी विंग एंड एन आर्टिलरी विंग। It is the world's largest border security force and it has been named the first line of defense of India. Oh!
and this is how the ceremony of beating retreat comes to an end. Both the countries lowered down their flags by sundown to mark the end of the day. वाघा बॉर्डर की ये सेरेमनी मैं कभी कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये पूरा एक्सपीरियंस काफी इनरिचिंग था। As an Indian, I felt so proud of my country and I couldn't have been happier. Hey, I'm finally back. We are finally back at the hotel and what a day. Aaj इतना प्रोडक्टिव डे था, इतना प्रोडक्टिव डे था। लाइक वी स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी डेडली हेवनली ब्रेकफास्ट। उसके बाद वी वेंट टू जलियांवाला बाग, व्हिच वाज लिटिल इमोशनल फॉर मी बट स्टिल आइकॉनिक। एंड देन वी वेंट टू फॉर अ वेरी लॉन्ग शॉपिंग स्प्री। बहुत सारी चीज हमने खरीदी, बहुत सारे सूट खरीद लिए भावनाओं में बहके। इनफैक्ट आई जस्ट वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड, बट यू नो मैंने सोचा ठीक है यार, मतलब ऑब्वियसली हम बार बार तो अमृतसर नहीं आएंगे, टू यू नो दैट हैप्पीनेस ऑफ पिकिंग द पीसेस फॉर योरसेल्फ, बाय योरसेल्फ एंड सम गिफ्ट्स एंड स्टफ। तो बहुत अच्छी मेरी शॉपिंग एक्सपीरियंस रही, बिकॉज मैंने पहले से ही थोड़ी सी रिसर्च करके रखी थी वेयर टू गो एंड यू नो हाउ टू गो। सो दैट हैपेंड। आफ्टर शॉपिंग वी वेंट टू वाघा बॉर्डर, विच वॉज ओ माई गॉड, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। लाइक इतनी एंथुजियाज्म आ जाती है, यू नो आपके अंदर का इंडियन बाहर आ जाता है, बिकॉज द क्राउड इज मैडनिंग, देयर इज सो मच ऑफ नॉइज। द BSF सोल्जर्स, they do a lot of magic, like the shouting, the screaming, the enthusiasm, the power, you know, they exuberate, and the display of all the things they do in front of you. Oh my god, it is one of the most memorable experiences of my life, and I feel it's a must to do thing for every Indian. Har Indian ko ek bar Wagha Border zarur aana chahiye to understand, you know, what our soldiers go through and what is at stake and how are they protecting us, you know, risking their lives. So that, and then we came back again, ek mini shopping spree, and then the food, the dinner, and back at hotel. So ye tha hamara pura din ka agenda. Okay guys, so this was it. Aaj ka pura din ka plan bata diya maine aapko, shopping dikha di, and I will call it a day. I'm very tired. Abhi thodi si packing baki hai meri, so I'm going to try and fit everything into the bags now. Main milti hu kal half day ke liye. Hum log Amritsar mein hain, and then around 4 o'clock we have to catch the train back to Delhi. एंड देखते हैं हम कल और कितना मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं या और क्या स्क्वीज़ इन कर सकते हैं। देयर इज अ पार्टीशन म्यूजियम विच वी आर रियली इंटरेस्टेड टू गो। आई विल एज ऑफ नाउ एंड दिस वीडियो, कॉल इट अ डे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग। आई पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड हर जगह शॉपिंग करना, घूमना और रिकॉर्डिंग करना बहुत टफ होता है। सो आई एम गोइंग टू डू ऑल दैट। सब कुछ करा हमने, काफी फुटेज कलेक्ट कर लिया, मैं घर जाके सारी एडिट करूंगी, एंड वन आफ्टर द अदर आपको काफी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने मिलेंगे दिल्ली के। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड